प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह के मेरे प्रियो। आइए हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस महान और जीवते खुदा का आदर करें जिसने हम सभी को सुबह से लेकर अभी तक संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ और भला चंगा रखा। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। परमेश्वर पिता के प्रेम के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसको याद करें और उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, उसके उपकारों को कभी ना भूलें, कभी भी ना भूलें, क्योंकि उसने हम पर उपकार किया है, हम पर भलाई की है, उसने हम पर अनुग्रह किया है, दया किया है, उसने हम पर तरस खाया है। इस बात के लिए खुदा का आदर करें और उसको याद रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। संध्याकालीन में हम जितने भी हैं, हम भाई बहन बच्चे मम्मी पापा रिश्तेदार जितने भी हैं, सब एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं और परमेश्वर पिता ने सुरक्षित अपने घर में लेकर आया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें। हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, खतरों और मुसीबतों से उसने हमारी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। वो हमें सब प्रकार के कष्टों से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, शैतान की योजनाओं से हमें छुड़ाता है। इस बात के लिए खुदा का आदर करें। मेरे प्रियो, पिता का आदर करें, उस यीशु मसीह का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। उस खुदा का आदर करें जिसने मुझे और आपको सारे कष्टों से, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया, उस दलदल के कीच से बाहर निकाला है, हमें उस गुलामी अवस्था से बाहर निकाला है। परमेश्वर पिता हमारे ऊपर से टोकरी ढोना छुड़वा दिया है। हमें जो बोझ के तले थे, हम उस बोझ को ही हमको हमारे जीवन से खत्म कर दिया है, उस बोझ को ही हमारे जीवन से उतार फेंका है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, सचमुच में पाप के तले दबे हुए थे, गुलामी की अवस्था में दबे हुए थे, अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए थे, दबे हुए थे, लेकिन प्रभु की दया ने, प्रभु के प्रेम ने, प्रभु की सामर्थ्य ने हमें छुड़ाया। उसने हम पर तरस खाया। मेरे प्रियो, हम पर तरस खाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, जब भी हम संकट में पड़ते हैं, जब भी हम मुश्किलों में पड़ते हैं, प्रभु को याद करें, खुदा को याद करें, पिता को याद करें और उससे प्रेम करें, उससे प्रेम करें। मेरे प्रियो, किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि हम जब मुश्किल में पड़ते हैं या तकलीफ में पड़ते तभी हम प्रभु से प्रेम करें। ना मेरे प्रियो, सीजन आउट ऑफ सीजन, समय असमय प्रभु की महिमा करना है, उससे प्रेम करना है। और जब हम उससे प्रेम करते हैं समय असमय हर परिस्थितियों में, तो प्रभु हमसे भी वायदा करता है, प्रभु भी मुझसे और आपसे कहता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है, उसने जो मुझसे प्यार किया है या मेरे करीब आया है, उसने मुझे अपना बनाया है, इसलिए उसे मैं संकट से छुड़ाऊंगा, उसे मैं सारे कष्टों से छुड़ाऊंगा। सचमुच में जब हमसे प्रेम करता है परमेश्वर है, तो हमें भी उससे प्रेम करना है। जब उसने हमसे प्रेम किया तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है कि हम उससे प्रेम करें। और प्रभु कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे स्नेह करता है, उसके साथ मैं रहूंगा, उसके संग रहकर उसे कष्टों से, मुसीबतों से मैं छुड़ाऊंगा। सचमुच में वो हमारे चिंताओं में हमारे साथ रहता, हमारे तकलीफ में वो हमारे साथ रहता है, सब प्रकार की मुसीबतों में वो हमारे साथ रहता है। उसने कहा मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं संकट में उसकी सुनूंगा, उसको सब कष्टों से छुड़ाऊंगा और उसको मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। सचमुच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब हम एक कदम उठाते हैं उसके लिए, बढ़ाते हैं, तो वह हमारे लिए 10 कदम उठाता है, 10 कदम हमारे लिए बढ़ाता है। मेरे प्रियो, इसलिए उसके नाम की महिमा और जय जयकार करें, उसकी बढ़ाई करें, उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा री खा ना ला रा 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 बा बा ना ला रा थी। प्रभु यीशु आपकी ही जय,
प्रभु यीशु आपकी ही महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी ही स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी ही बड़ाई हो। इस संध्याकालीन में जितने भी कष्ट और मुसीबत में हैं, जितने भी तकलीफ में हैं, जितने भी समस्याओं में हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर उनकी समस्याएं खत्म हो जाए, उनकी तकलीफें खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उनके कष्ट और पीड़ाएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खा मा बा बा रा शि खा ना ला रा 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 बा ओ रबा शंदा रबा नला रबा नला रबा। प्रभु यीशु के नाम में कष्ट और पीड़ाओं से उन्हें छुटकारा दे, यीशु के नाम से खमारा सीखा नला रबा। पिता परमेश्वर, सचमुच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी के हालत में हैं, कमजोर हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। पेट में से सब प्रकार का दर्द, शरीर में से सब प्रकार का दर्द, सिर में से सब प्रकार का दर्द, पिता परमेश्वर आंतों में से सब प्रकार की बीमारी, गांठ यीशु के नाम से गल जाए पिता परमेश्वर। लीवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आंखों का जलन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जिनका ऑपरेशन है प्रभु यीशु के नाम से ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, जिनको कीमो है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए, पूरी रीति से स्वस्थ कीजिए। प्रभु तेरे हाथों में सब कुछ संभव है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है। और आज जितने भी हॉस्पिटल में आईसीयू में बेड पर है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए और उन्हें कष्टों से आजाद कर दे, छुड़ा लीजिए मेरे पिता। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय और उससे प्रेम कीजिए। प्रभु ने कहा उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे मैं बचाऊंगा, उसे सब कष्टों से छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, यह जीवते खुदा का वचन है और वो जिंदा वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और प्रार्थनाओं में बने रहिए। पिता परमेश्वर आज बहुत सारे अनाथ और विधवाएं उनकी सुधि लीजिए, उन्हें भी कष्ट और पीड़ाओं से आजाद कर दे। बहुत सारे से प्रिय भाई बहन हैं जो निसंतान हैं प्रभु, उनके दर्दों को हटा दीजिए प्रभु, उनकी पीड़ाओं को खत्म कीजिए, उनके नाम धराई को खत्म कीजिए, उन्हें कष्टों से मुसीबतों से तकलीफों से आप छुड़ा लीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा तुमने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथ में सौंपते, मेरे यीशु आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पवित्र परमेश्वर आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय। पिता परमेश्वर इस समय में बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन जो बेरोजगार हैं प्रभु, यीशु के नाम से आशीषित कीजिए। निसंतान है उन्हें संतान दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उन्हें रोजगार दीजिए प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु, उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, उन्हें कष्टों से मुसीबतों से और कर्ज से आजाद कर दीजिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर स्टूडेंट्स हैं, जॉब और बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन सारे प्रिय भाई बहनों को आशीषित कीजिए। स्टूडेंट्स का फ्यूचर अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे किसान भाई बहनों की फसलें अच्छी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, कटनी के समय तक सुरक्षित रख, जब तक पिता परमेश्वर घर में दाना ना जाए तब तक पिता परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, हानि और नुकसान से बचा लीजिए। जितने भी जॉब करते हैं उनके जॉब में उन्हें आशीषित कीजिए। धन्यवाद पिता तूने प्रार्थनाओं को सुना, प्रादर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। आज जितने भी संकट में मुसीबत में उन सारे परिवारों को बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए, दर्द और पीड़ाओं से आजाद कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पिता परमेश्वर संकट में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, प्रभु यीशु के नाम में सब संकट और मुसीबत खत्म हो जाए। जिनको दारू पीने की लत है, शराब यीशु के नाम से वो लत छूट जाए, नशा करने की आदत छूट जाए, पाप और अपराध की दुनिया से पिता एक अच्छी दुनिया में आने के लिए प्रार्थना करते, तेरे दुनिया में आने के लिए प्रार्थना करते, तेरे राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। जितने भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करते उनके जीवन को बदल दीजिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे पिता। जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए उनके लिए शादी का प्रबंध कीजिए, लाइफ पार्टनर का प्रबंध कीजिए। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उनको छुड़ा लीजिए प्रभु, उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए और उन्हें भी सारे कष्टों से आज़ाद कर दीजिए, अंधकार की शक्तियों से आज़ाद कर दीजिए, शैतान की शक्तियों से आज़ाद कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जो घर बना रहे उनका कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए। इस रात्रि में हम तेरे हाथों में हो जाते प्रभु, जिनको नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर,
पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा करने वाले बन जाए। सुबह की रोशनी दीजिए ताकि सुबह उठकर आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थना को सुना, हमारा जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने हमें कष्टों और संकटों से छुड़ाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मेरे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे कष्टों से मुसीबतों से छुड़ाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो उससे प्रेम कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।